बिहार में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल हुआ खत्म। बिहार के एम्स पीएमसीएच के साथ ही सूबे के सभी अस्पताल के काम शुरू। सोमवार तक के डॉक्टरों ने दिया अल्टीमेटम। चमकी बुखार का कहर लगातार जारी। बीते 12 घंटों के अंदर मुजफ्फरपुर में 6 बच्चों ने तोड़ा दम। अब तक कुल 68 बच्चों की हो चुकी है मौत। झारखंड में बिरसा मुंडा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला पकड़ा। तुल आदिवासी समाज ने रांची किया बंद। बंद का कांग्रेस, झामुमो सहित कई पार्टियों ने किया समर्थन। विक्रमगंज में कारोबारी की हत्या के बाद कैंडल मार्च निकाल। लोगों ने जताया विरोध। कारोबारी प्रशासन से कर रहे हैं सुरक्षा की मांग। रोहतास के काराकाट में दिखी अनोखी शादी। शहीद जवान की बहन को मिला 25 कमांडो भाइयों का साथ। सेना के जवानों ने हथेली पर पांव रखवा, बहन से कराए रस्म। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज 1/11। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव जीतने के बाद पहली बार पटना पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी मुजफ्फरपुर में हो रही मासूमों की जान जाने को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस वजह से पार्टी के किसी भी नेता का स्वागत बिहार में 2 हफ्ते तक नहीं किया जाएगा। दो सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किसी भी स्वागत के कार्यक्रम को बिल्कुल वर्जित किया है, न होगा इसकी घोषणा मैंने किया हूं और कहीं भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे। कोई नेता फूल को रिसीव नहीं करेंगे और कार्यकर्ता भी और लोगों से भी निवेदन है कि इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम का आयोजन। पटना सिटी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सुबह के सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सुबह में चमकी बुखार से मरे बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चमकी बुखार का कहर जिस तरह से बरपाया है, जिसमें 70 बच्चों की मौत से पूरा देश आहत है, साथ ही अब बच्चों की मौत न हो या और यह रोग आगे न बढ़े, इसके लिए सरकार हर सुविधा अस्पतालों में दे रही है। साथ ही सरकार निःशुल्क इलाज और परिजनों को खाने पीने की भी व्यवस्था दे रही है। केंद्रीय टीम ने जो आवश्यक सुझाव दिए हैं उन सुझावों का हम अनुपालन कर रहे हैं। केंद्रीय टीम ने कहा कि जो चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही है वो ठीक है, वो संतुष्ट थे। दिल्ली से आए हुए चिकित्सकों के दल ने मुजफ्फरपुर के संपूर्ण व्यवस्था को देखा था और देखने के बाद कहा था कि जो बच्चों को इस बीमारी का जो भी SOP प्रोटोकॉल है उसके तहत जो सुविधाएं दवाई दी जानी है वो दी जा रही हैं। थोड़ा जागरूकता अभियान को और तेज करने का आग्रह उन लोगों ने किया, तो उस दिशा में सरकार हम कर रहे हैं। हम अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के माध्यम से, हैंडलिंग के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से जागरूकता का काम भी लगातार कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जागरूकता के कारण लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग अपने बच्चों का ध्यान दें। तो जो केंद्रीय टीम थी उन्होंने कुछ वहाँ और चिकित्सकीय सुविधा के संदर्भ में बात की, वो भी हम कर रहे हैं। तो केंद्रीय टीम ने सारी चीज़ों को देखा है और देखने के बाद कहा कि जो चल रहा है वो ठीक है, जो सुझाव दिए उसके अनुसार। समस्तीपुर में इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए ले जा रहे बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि चमकी बुखार से अभी तक बिहार में 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।
वहीं चमकी बुखार से हो रही मौत के बाद राजद ने संज्ञान लिया है और मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए आज राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने बुखार से पीड़ित मरीज के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और सूबे की सरकार पर हमला बोला। दुख के साथ कहना पड़ता है कि रामचंद्र पूर्वे का पोता इसमें नहीं है, पर पोता नहीं है, गाँव का जो मगरू राम है, गाँव का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसका बच्चा यहाँ पर है। आपने देखा होगा, यहाँ पर सीन देखा होगा, उसे लगा होगा। यानी उन बच्चों के लिए भले ही नारा में हम कुछ भी कहें, लेकिन सरकार की कहीं भी संवेदना नहीं है। कटिहार में नवनिर्वाचित सांसद का अभिनंदन अभियान लगातार जारी है। वहीं ग्राम रक्षा दल द्वारा हवाई अड्डा मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही समारोह की अध्यक्षता ग्राम रक्षा दल जिला संघ के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद मंडल द्वारा की गई, जबकि समारोह का उद्घाटन स्वयं दुलाल चंद्र गोस्वामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब देश में चौकीदार की सरकार बन चुकी और उन्हें यह उम्मीद है कि सरकार अब चौकीदारों की जरूर सुनेगी। हम लोगों की आशा की जो किरण है वो जगी है कि जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वे स्वयं जो है ना कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ। मोदी जी चौकीदार बोलते हैं, लेकिन मोदी जी जैसे पहले हम लोग चौकीदार हैं, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि चौकीदार कौन है और गांव ग्राम में रक्षा कौन करता है, ये खुद निर्णय करेंगे। चौकीदार कहलाकर वो प्रधानमंत्री बन गए, क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? एकदम पूरी होगा, ये हमको आत्मविश्वास है, हम लोगों की आशा। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड लाइव टीवी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शंस हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शंस आपके टीवी स्क्रीन पे दिए गए हैं। खबरों से ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे न्यूज़ 11 फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस टीवी स्क्रीन पे हैं। बिहार झारखंड और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट news111.com पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे एंड्रॉइड लाइव टीवी ऐप को डाउनलोड जरूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट news111.com पे भी क्लिक कर सकते हैं। और ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मोक्ष स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू किंगडम ऑफ डांस म्यूजिक एंड आर्ट्स। हमारे यहाँ हर तरह के डांस स्टाइल्स, म्यूजिक्स, पेंटिंग्स, फाइन आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, कराटे और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ है बिहार के बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट टीचर्स, क्वालिफाइड एजुकेटेड, जो हमारे बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए या हमारे यहाँ एडमिशन्स लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। और हमारा एड्रेस है वेस्ट बोरिंग कनाल रोड, अपोजिट जी साहेब सुपरमार्केट, नारायण कॉम्प्लेक्स, थर्ड फ्लोर पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र के अंबे पोखर के पास पानी की समस्या को लेकर आक्रोश में आए लोगों ने आग जलाकर रोड को जाम किया। साथ ही आक्रोशित लोगों ने बताया कि कई दिनों से पानी के लिए हाहाकार मची हुई है और कोई हमारी बात नहीं सुनता है। साथ ही जैसे ही इसकी सूचना हबीपुर थाना को मिली, हबीपुर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और नगर निगम के पदाधिकारियों से बात की और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। डिटेल ये है मामला कि पानी के हाहाकार मच रहा है, कहीं पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है।
पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल खत्म हो चुका है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर बंगाल में डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में कल एक दिन के हड़ताल पर चले गए थे। वही हड़ताल के बाद डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। बंगाल में डॉक्टरों के साथ जुल्म हुआ है। एक अनियंत्रित असामाजिक भीड़ ने डॉक्टरों पर हमला किया है, जिसमें दो डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। डॉक्टरों पर आक्रमण की घटनाएं होती रहती हैं। शांति व्यवस्था अस्पताल में हमेशा भंग होती है। कई बार इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। कुछ कानून बनाने की कवायद भी की गई है, लेकिन कोई कानून अमली जामा नहीं पहन पाया है। इस घटना के बाद पूरे देश में आंदोलन है। बिहार के डॉक्टरों ने भी उनका साथ दिया है, और ख़ास करके जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया था कि वो 12 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और कल वो हो गया है। कार्य बहिष्कार करने का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय नहीं है, बहरहाल उन्होंने लिया है तो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अब उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय लिया है कि वो काम पे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो काम पर रहेंगे। बेगूसराय मंडल कारागार में पिछले 2 महीने से बंद कैदी की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का कुछ खुलासा होगा। साथ ही मृतक के पत्नी ने पुलिस पर पिटाई का आरोप भी लगाया है। समस्तीपुर में तेल टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने तेल टैंकर को जब्त कर थाने भेज दिया है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। आलम और मोहम्मद खालिद अनवर जो है, ये दोनों रात को 11:30 बजे खाना खा के अपने घर से शहनवाज आलम के घर पे सोने के लिए गए। ये लोग कल सुबह जर्निंग करना था, और इसी दरमियान में गांधी चौक पर तेल टैंकर गाड़ी आया, इन लोगों को जो है कर दिया, वहीं पर घटना हुई। कितने लोग जख्मी है? बघार रेलवे की लापरवाही से यात्री की गई जान। जानकारी के मुताबिक बघार रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्री पर तार गिरने से यात्री की मौत हो गई।
राजधानी में लगातार बढ़ते क्राइम से पुलिस महकमा हलकान है, तो वहीं पटना एयरपोर्ट में मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही इस मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे और मॉक ड्रिल पर जनता को यह मैसेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन तैयार है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए आज मॉक ड्रिल किया गया था, जिसमें कि पटना पुलिस, CISF, बाकी सभी एजेंसीज जो होती हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उन्होंने मिलजुल कर कैसे इसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है और कोई भी आपातकाल स्थिति में कैसे निपटना है, उन सब बातों को गहनता से डिस्कस किया गया, उसका ड्रिल किया गया और जो कमियां पाई गई उसको भी कैसे दूर किया जाए, इस सब पे भी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की ड्रिल होने से जो सुरक्षा व्यवस्था को हम और बेहतर कर सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए आज मॉक ड्रिल किया गया था, जिसमें कि पटना पुलिस, CISF, बाकी सभी एजेंसीज जो होती हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उन्होंने मिलजुल कर कैसे इसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है और कोई भी आपातकाल स्थिति कैसे निपटना है, उन सब बातों को गहनता से डिस्कस किया गया, उसका ड्रिल किया गया और जो कमियां पाई गई उसको भी कैसे दूर किया जाए, इस सब पे भी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की ड्रिल होने से जो सुरक्षा व्यवस्था को हम और बेहतर कर सकते हैं। कटिहार में SDPO के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें पुलिस ने एक अपराधी को लोडेड देसी कट्टा सहित 5 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ लिया है। बता दें कि अपराधी पर कई मामले भी दर्ज है, फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इनकी गिरफ्तारी की गई है गुप्त सूचना के आधार पे, और गुप्त सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जब टीम ने उनके ऊपर छापेमारी करी तो उनके पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा गोली बरामद हुआ है। ये कुख्यात अपराधकर्मी है, अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधकर्मी है और हमारे थाना क्षेत्र में तो इनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं ही, और अगल बगल के जिलों में भी और अगल बगल के राज्य में भी। बगहा के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने देशी शराब की बड़ी खेप को नष्ट कर महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में बेतिया उत्पाद कोर्ट भेज दिया गया है। दूसरा जगह ना सब घर में है, छोड़ोने रजिया लग रहा घर है, तो आपका नाम पता लिखकर चलिए। इधर का है, इधर है, तैयारी है, ले तो काम तैयारी है, ले तो तैयार वाला है, तैयार वाला है, काम कर ले तो। समस्तीपुर के चकमहेसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक घर और एक ट्रक से शराब बरामद किया। वहीं पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो होता है ट्रक वाले का कि कहीं बात कर लेता है, ट्रक का जो प्राइस होता है वो ले लेता है। करने के दौरान शराब की कुछ मात्रा उतार कर बगल के एक झोपड़ी में छिपा कर रखी गई थी, उसका पहचान किया गया है, उन पर भी नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो ट्रक मालिक हैं उनके कागजात जब्त हुए हैं गाड़ी में से, उन पर नामजद की जाएगी, और जो चारों व्यक्ति पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने सारे मामले को बताया कि किनके द्वारा उस गाँव में सोमनाहा ग्राम में शराब। अब आज झारखंड की खबरों की करते हैं। सरायकेला के तिरुलडी थाना क्षेत्र में साप्ताहिक हाट में विधि व्यवस्था की पड़ताल करने गए 5 पुलिस कर्मियों को नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नक्सली घटना के बाद पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले।
नक्सलियों के द्वारा कुड़ूहाट बाजार में 5 जवान के शहीद होने के बाद झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे ने सरायकेला पहुंचे और जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा के साथ नक्सलियों का मुकाबला भी किया जाएगा। देखिए, जिंदगी वापस हम नहीं कर सकते, इसका हमेशा दुख रहेगा। जिंदगी का कोई मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। हम हमारे घर के परिवार के वो बच्चे हैं, उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग की है और आप सभी आवाम की सुरक्षा के लिए वो लोग लगे हैं, उसमें उनकी जान गई है, वो शहादत है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उनका परिवार उनके जाने के बाद डिग्निटी के साथ रह सके, इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ रह सके, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी नीतिगत दिया गया है वो दिया जाएगा। देखिए, लातेहार में आधा दर्जन बच्चे डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं परिजनों के अनुसार सभी बच्चों ने सादा भोजन किया था। देवघर के नगर निगम डिपो में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से दो टॉयलेट वैन जलकर खाक हो गई है। बुलेटिन बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार।